सवरे खाए गई है, बताओ क्या करो जाए। रात में पूरी कम से कम 30-40 गई है मैंने निकाली जामे थे, पूरी रात जगह रहा हूँ जहाँ पर नाश है वो जामे थे। जाओ देखो तुम आ जाओ तुम देखो वो खेत हो तो नाश कर दो जाओ, बताओ क्या करो जाए। यूपी के हाथरस जिले में खेत के बीच बैठे किसानों की ये रातें मुसीबत की रात है। प्रेमचंद की पूछ की रात वाले हल्कू भले ही कहानियों का हिस्सा रहे हों, लेकिन यूपी में अब भी पूछ की रात है, खेतों में खड़ी फसल है और अपनी फसल की रखवाली करते हल्कू जैसे कई किसान हैं। पूछ की रात में अपने खेतों को जानवरों से बचाते ये किसान सरकार को याद कराना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का वो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि छुट्टा जानवरों से जो समस्या होती है उसके लिए 10 मार्च के बाद नीतियां बनाई जाएंगी। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी की कही बात है, इस पर विश्वास करना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्नाव की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने गाय गोबर और किसान सब गिना दिया था, लेकिन उसी उन्नाव से कुछ 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के किसानों का हाल क्या है आज उसे सुनने वाला कोई नहीं है। हाथरस में अपने खेत को बचाए किसान कहते हैं कि सारी रात गाय और सांड भगाते कट जाती है। कोहरा, ओस और ठंड सब पर फसल के लिए की गई मेहनत भारी है, शायद इसीलिए अलाव जलाए किसानों का एक समूह हमेशा अपने खेतों की निगरानी कर रहा है। किसान नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पास अपने खेतों की रखवाली के अलावा कौन सा रास्ता है। हम आपको सुनाते हैं वो भाषण जो पीएम नरेंद्र मोदी ने आवारा पशुओं के मुद्दे पर दिया था, फिर उन किसानों की बात सुनवाएंगे जो अब भी सारी रात अपने फसलों की देखभाल कर रहे हैं। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। ईंटियां अपनों झोपड़ी से डाल ली है, सारी रात यहीं में बैठे बैठे कभी आंच पे कभी अंदर, तो सभी लोग अपने यहाँ और पास के आ जाते हैं तो अपना मन भी लगा रहता है और धैर्य धैर्य होती रहती है, अपने बचा रहे हैं, क्या करें। यहाँ पे भाई सारी रात हमें यहीं पे रहना पड़ता है। तो बारी बारी से आते रहते हैं लोग या फिर आप ही की ड्यूटी रहती है? हम रहते हैं और सुबह में घर वाले और रहते हैं। आ जाता खाना योगी जी पर भी आ जाता है, कोई घर का आ जाता है तो वहाँ पर भी चले जाते हैं, खाने भी रह जाते हैं। तो नहीं होते हैं तो हम जो मरना पड़ता है चले जाते हैं घर पे, कभी कभी कोई नहीं आता है तो भूखे भी रह लेते हैं। क्या यहाँ साहब खूब आतंक है, रो 10-20, 50-50 के टहना आम होते हैं, न तो कोई प्रधान सुन लो, न कोई MLA सुन लो और साहब न कोई प्रमुख सुन लो, जी अपने और पा सके जाते हैं आहा सा जे है जाते, न कोई गौशाला खूटी न कछु भयो। रात सुअर आएगे 10-12 तो न्यू मान लियो का ये सगरे बालक का भाजे हम सगरे जतगा जब जाएगे जे तैसे खैर परी नहीं खाएगे हूँ तेरा ते और सा न्याठिया तो ये आवारा पशु अतका है, बहुत ज्यादा आतंक है रो चारों ओर से, कहू ज्यादा गरे पे कहू बाद गरे पे, बच्चा बड़े परेशान है रे, हम भी इनके साथ में आँच बरा लेते हैं पर भीतर चले जाते हैं, ज्यादा ठंड पड़ती है तो फिर बाहर निकल जाते हैं, लेट सी करनी पड़ रही है। कहते हैं चुनाव में कही किसी बात का कोई मतलब नहीं होता, ये बातें तो सिर्फ चुनावी बातें हैं जिनका मकसद चुनाव जीतना होता है, लेकिन जिन किसानों को अपने खेतों की रखवाली के लिए सारी रात ठंड से जूझना होता है और जो किसान ठंड के बीच सारी रात अपनी फसल को देखने के लिए मजबूर है,
वो कहते हैं कि जो नेता चुनावी जुमलों में मुद्दे सुलझाने की बात कहकर जाते हैं, उन्हें बस एक बार ऐसे खेत में रात गुजारनी चाहिए। समझ में आ जाएगा कि इस देश में अन्नदाता की मुश्किलें क्या होती हैं और किसानों का दर्द क्या है। लेकिन एसी कमरों में बैठने वाले नेता इस बात को नहीं जानते कि जिस किसान के उगाए अन्न को वो खाते हैं उसकी असल समस्याएं क्या है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।